हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत आपका देवभूमि उत्तराखंड खूबसूरत पहाड़ों से। मेरा नाम है दीपन नेगी। मेरे गांव का नाम है शारकेणा, जो कि टिहरी जिला और पटिकड़ा कोट में है। और मेरी भी होगी एक नई ब्लॉक की शुरुआत। नए ब्लॉक की शुरुआत हो रही फिर आज 1:30 बजे से। और अभी मैं सुबह घास के लिए जा रखी थी। और यहाँ पर हमारी बकरी ना ऐसे कर रही है। और अभी बकरियों के लेके भी आई जंगल से घर। यहाँ रखी है मैंने घास की भारी, ये देखिए पुराने वाले घर में। और भैंस तो अभी वहीं है, तब शाम को ले जाना है घास। और आज ना हमारे यहाँ जो खेत है इस घर के सामने, तो धान का खेत है, यहाँ धान की फसल है, तो इसकी कटाई कर रहे हैं हम अभी। और उधर जा रखे हैं हजबेंड साहब, और उनको भी ना अभी धूप हो रही है। अरे आगे चल रही है हमारे काम, नहर बढ़ रही है खेत की। और उधर भौंर पे ना काम चल रहा है तीन दिन से हमारा खाना यही बन रहा है पुराने वाले घर में। और अभी मैंने घास लाने के बाद ना खाना बना के मैंने कंप्लीट कर दिया। और अभी चलती हूँ धान काटने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ना पानी का लोटा रखा है, और उनको ले जाती हूँ अपने हस्बैंड को पानी। चलते हैं आगे खेत में। तो ये देखिए धारे का ठंडा ठंडा पानी। अब लगे हैं खेत की कटाई पे, अभी काम पर थे थोड़ी देर पहले। तो देखिए इतना सारा काट दिया उन्होंने, ये देखिए। मतलब ये मेरी हेल्प हो रही है। ये लिया पानी, ये देखो इनकी स्पीड। अकेला तो दोस्तों मैं भी हो जाती हूँ अब शुरू। ये देखिए तो देखिए किसान पति। एक खेत काटने के बाद ना खाना है हमने खाना। और अभी ना 1 बज गई, तो 2-3 बजे जानी है वो देखिए। और अभी अभी हमारी छोटी वाली सासू जी भी आ गई, और गांव के एक ससुर जी भी जो यहाँ काम पर आ रखे थे, और वो भी मदद कर रहे हैं हमारे साथ कोणगी लगाने में। देखिए अब आरी पहला आरी भी आ गई है बस यहाँ धान की कटाई करने के लिए। और यहाँ पर लगाई जा रही है कोणगी, ससुर जी लगा रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह धान की कोणगी लगाते हैं हमारे पहाड़ों में। इसकी मड़ाई भी 3 दिन बाद होंगे भी बना ली। ये जी हो गया खेत खत्म 5 मिनट में। ससुर जी भी गए, छोटी जी जी भी चबट खेत हो गया 5 मिनट में चबट। फाइनली दोस्तों हमने भी खाना खा लिया। टाइम ना 4 बज गई है, 4। हमने आज 3 बजे खाया खाना धान काटने की वजह से। और पुर अच्छी सी ठंडी सी हवा भी आ रही है। और इधर देखिए हमारी बकरी भी लिया कर रही है। और अब बकरियों को लेके जाऊंगी मैं इधर नीचे गदेरे बकरी चुमाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। बनेगी मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।